हाय फ्रेंड, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम प्रतीक्षा पटेल है, मैं नाथ नगरी बरेली से हूँ। और आज बरेली में हो रही है बहुत तेज़ बारिश, थोड़ी थोड़ी सी देर में हो रही है बारिश, कभी रुक जा रही है तो कभी हो रही है, कभी रुक जा रही है तो कभी हो रही है। कल शाम से बहुत तेज़ से बारिश हो रही है बरेली में, और कुछ नहीं कह सकते इतनी। और एक जगह तो इतना भारी पेड़ था ना, वो भी गिर गया। बाहर गई हुई थी तो वहाँ पे पेड़ भी गिर गया, अच्छे को वहाँ पे कोई था नहीं, वरना उस इंसान के बहुत ज़्यादा ही चोट लगती जब यहाँ पर पेड़ गिरा था। और आपको दिखाते हैं यहाँ का मौसम कैसा है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है बहुत तेज़। अभी तो बहुत तेज़ आई थी, अभी भी मौसम सही है। वैसे देखिए कितनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे पास में रामायण हो रही है तो उसी की आवाज आ रही है। है ना कितनी तेज बारिश हो रही है ना, कल तो काफ़ी देर तक बारिश हुई। मैंने वीडियो बनाई भी तो मेरी वीडियो वो डिलीट हो गई, मेरा हाथ लग गया तो वो वीडियो में ही डिलीट हो गई। और ज़्यादा अफसोस होता है जब वीडियो कोई सी डिलीट हो जाती है तो ज़्यादा रहता है कि वीडियो डिलीट हो गई। बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख होता है जब मेरी वीडियो डिलीट हो जाती है, फिर मुँह लटक जाता है। बहुत ही अच्छी मैंने कल वीडियो बनाई थी, इतनी अच्छी वीडियो बनाई थी बारिश में कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन बारिश की वजह से जल्दी जल्दी में मेरा हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया, और मैंने उसे पोछा था तो मेरा फ़ोन थोड़ा सा भींग गया, तो उसमें ऑप्शन में डिलीट का ऑप्शन आ गया, तो मैंने इसमें उंगली कर दी, उंगली दबा दी तो क्या कहते हैं मेरी वीडियो सारी ख़राब हो गई। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो तो दोबारा बन सकती है। लेकिन फ़ोन ख़राब हो जाता ना तो लेने का कुछ नहीं रहता, ना ही मैं आज वीडियो बनाती होती, मुँह लटकाए बैठी होती हमेशा। वीडियो क्योंकि शॉर्ट वीडियो है मेरे पास, शॉर्ट वीडियो में डालूंगी जरूर। क्यों? क्योंकि शॉर्ट वीडियो में ऐसा रहता है ना, डाल सकते हैं, बोल के भी डाल सकते हैं। और ये बहुत तेज बारिश आई थी, फिलहाल शॉर्ट वीडियो ज़रूर डालूंगी। और वीडियो स्टार्टिंग तो हो ही चुकी है, वीडियो का एंड क्या करें, बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं। थोड़ी थोड़ी सी बारिश होती है, थोड़ा थोड़ा सा हो जाती है। हवा भी तो बहुत अच्छी आ रही है, हवा के साथ साथ पानी आता है, हवा के साथ साथ, बिल्कुल हवा के साथ साथ पानी आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। पता है कहीं रामायण या भागवत होती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ, लेकिन रामायण ये हो रही है किसी के घर पे हो रही है, मुझे पता नहीं है किधर हो रही है इधर, लेकिन आवाज़ लग इधर से रही है, इधर से आ रही है, लेकिन हो शायद इधर रही है, पता नहीं चल रहा है कि किधर से आवाज़ गूंजती है ना, कि जिस तरफ सुराई होती है लगी हुई उधर से आवाज़ गूंजती है। तो अभी बूंदाबांदी हो रही है, बादल भी बहुत सारे लगे हुए हैं आसमान पर, और बारिश तो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे बरेली में दो तीन दिन
बारिश होने की संभावना है। कल तो ही हुई थी, आज भी हो ही रही है, पूरा दिन ऐसा ही हो गया है बारिश में ही। 1 बजने को जा रहा है लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरी रात में बारिश हुई है, पूरी रात। कल राधा रानी का जन्म दिन था ना, इसीलिए और ज़्यादा बारिश हुई थी। मैंने सोचा था कि बारिश के टाइम पे वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ी बहुत सही होगी, लेकिन अफसोस हो रहा है, डिलीट हो गई। छत पे जाने को नहीं है, वैसे मैं छत पे ही हूँ लेकिन सबसे ऊपर आई छत पे जाने की नहीं हूँ क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जाऊँगी तो मैं बिल्कुल भी भीग जाऊँगी, लेकिन लोग आना जाना बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहे हैं, बारिश में आ रहे हैं। सर्दी हो जाएगी उन लोगों को जो भीग रहे हैं, लोगों को सर्दी हो जाएगी। थोड़ा बहुत मैं भी भीग रही हूँ, यहाँ पे खड़ी खड़ी वीडियो बना रही हूँ ना, इसीलिए थोड़ा बहुत भीगना पड़ता ही है। वीडियो बनाना है तो थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। और मेरी तुलसी जी हवा में झूल रही हैं, झूम रही हैं। भागवत की वो रामायण की आवाज़ आ रही होगी शायद आप लोगों को। पानी बरस रहा है तो गाय देखो उसमें छज्जे के नीचे खड़ी हुई है, जो छत पे छज्जा नहीं निकला हुआ होता उस पे खड़ी हुई है, भींग ना जाए इसीलिए यहाँ पे खड़ी हुई है। बिल्कुल गाय लोगों की बिल्कुल दिक्कत हो गई है, बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को दिक्कत हो रही है। बारिश में कहाँ जाएं, कहाँ बैठें, ठंडों में कहाँ रहें, कहाँ। जानवर को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ती है, वो जानवर ही बता झेल सकता है, उसी को पता होता है कि कितनी सारी तकलीफ़ें हो रही हैं हमें। आ रही है वापस, भींग भी गई है ऊपर, तो बिल्कुल स्लो मौसम में चल रही है, इतने धीरे चल रही है बेचारी। गाय लोगों को कितना दिक्कत उठाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत उठाना पड़ता है इन लोगों को। कोई मारता है, कोई पीटता है, कोई पानी डालता है इन पे, कोई कुछ तो कोई कुछ करता है। अब तेज आ गई है, थोड़ी थोड़ी तेज आ गई है बारिश। चलो अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद मेरी तरफ से।